जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी दे बाबू हाय 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 विजन सरकार डाउन 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 पार्टी दे नारी दुष्कर्मकारी गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्र को गिरफ्त करबा हमर दाबी हमर दाबी हमर दाबी आपण माने जानिछंती गत अक्टोबर 8 तारिख रे ममिता मेहर निखोज होइथिले तापरे 17 तारिख दिन से माने बहुत सामाजिक अनुष्ठान एवं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एमती समस्ते अभियोग कला परे तांकु 17 तारिख रे गिरफ कले एवं 18 तारिख दिन चंचकता करी तांकु बर्तन पुणी छाड़ी देले गोविंद साहू पुणी भारतीय जनता पार्टी राजरास्ता को ओल्हेला परे विरोध कला परे पुणी तांकु से धरिले एवं 5 दिन तांकु निज हेफाजत रखिले जोटा कि जेल को पठैले ना कोर्टे हाजर कले ना यार कारण हूँ दिव्यशंकर मिश्र जेहेतु राष्ट्र गृहमंत्री तेणु तांकर सहायतार साज्य पाई गोविंद साहू यही लाट कले पुलिस विभाग संपूर्ण भाव सहयोग कले देखु दीर्घ दिन ओडिशा रे निया जलिला बेले जोठी सरकार बारंबार कहूँ आम गाँव को कम दौ माँ को सम्मान दौ कौ भाव में माँ को सम्मान दौड़ावासी कौन भारतवासी सारा विश्व देखुची बर्तमान दीर्घ दिन धरी जो भाव में निया जली चली चलती ममता ममिता भाई जो भाव में न्याय दाबी से जो भाव लड़े चली रही कि आज नवीन बाबू मझे तो गायब कर दिगला लोक लोचन टे दूरे दवापी कौटे निश्चित भाव मैंने बाहर को बाहर को विदा कर दिगला पुणी जिते भाविले लोक मैंने एक भूलीगले आनी मंच पर बस मु पचारि कौ भाई भाव में शासन आपड़ करा मुखिया घर मुखिया जब घर गोटे मेम्बर सहित किसी अन्या अत्याचार होता है कौन ये काम कैसे मुख्यमंत्री आप दिवा आलोक कहीदे जो भाई भाव में आतंक राज खेली मंत्री नेता मैंने प्रच्छद पटे नुह परोक्ष भाव में नुह प्रत्यक्ष भाव में नवीन बाबू ही दायी अच्छा एटी निश्चित भाव में कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र आम गिरफ्तारी यही दावी करण जो मंत्री निजे से बारंबार जाइए से अन्य नेता में मंत्री मानक नहीं जाइंट पचारे कौन कलाहांडी कौन सी प्रकार जगह ना से रहापे कहीं जाते जिते संप्रति कौन सी प्रकार आक्षेप आसी कहीं निज पदर निजक बाहरी गले जना पड़ था से सचट अच्छा कि नक जो भाई भाव में निजे मुह टाण देखुं चोर मुह टाण भाया आज पर्यटन कौन सी प्रकार ना तदंत परिसरभुक्त हेले ना निलंबन कौन आदेश नवीन बाबू दे जनइले ओडिशा माटी रे ओडिशा मां माटी रे से कोभली भाव नारी मन सुरक्षा दोचंदी।